वेलकम टू माई चैनल बेक मी अवेश। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। तो आज हम स्किन केयर थीम का केक बना रहे हैं। उसके लिए पहले से केक बेक कर चुके हैं। केक की रेसिपी चॉकलेट केक की हम आपको दे चुके हैं, इसलिए हम केक पहले से ही बेक करके रखते हैं ताकि डेकोरेशन आपको बता सके किस तरह केक की डेकोरेशन करनी है। देखें केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बेक हुआ है। केक को कट करेंगे तीन लेयर में, और जब आप केक बेक करें तो उसका वेट करें उसके मुताबिक जितना आपका केक का ऑर्डर हो। अगर आपका केक 2 पाउंड का है तो केक स्पंज आपका 1 पाउंड का होना चाहिए, और फिर उसके बाद 1 पाउंड की बाकी सारी डेकोरेशन होनी चाहिए। तो केक बोर्ड ले लेंगे, उस पर क्रीम लगाकर पहली लेयर सेट करेंगे और फिर ऊपर केक को सोक करेंगे शुगर सिरप से और चॉकलेट क्रीम लगाएंगे। अच्छी तरह क्रीम को लेवल करेंगे ताकि जब हम दूसरी लेयर रखें तो केक का बैलेंस एक जैसा हो। दोबारा केक को सोक करेंगे, क्रीम लगाएंगे, अच्छी तरह लेवल करेंगे। इसी तरह सारी लेयर्स को सेट कर लेंगे। हाइट वाले केक में स्ट्रॉ ज़रूर लगाएं। स्ट्रॉ लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप केक डिलीवर करेंगे तो केक स्लिप नहीं होगा। दूसरा, आपका केक बिल्कुल एक जैसा लेवल में बराबर की हाइट का आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हाइट वाले केक में स्ट्रॉ लाजमी लगाएं। और केक डिलीवर करने से पहले उसको 1 घंटा ज़रूर फ्रिज में रखें। यहाँ हमने केक को क्रम कोट कर लिया और अच्छी तरह सेट करके फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर पिंक कलर की क्रीम अप्लाई करेंगे। जी, तो केक को हमने फ्रिज में रखा था 1/2 घंटे के लिए, और अब लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर की क्रीम पूरे केक का ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर केक के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे बिल्कुल थिन लेयर में क्रीम केक पर लगाई जा सकती है। क्योंकि ऑलरेडी हम चॉकलेट क्रीम से केक को नीट कर चुके, और केक कॉम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर क्रीम में कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ देखें, मिडल में आपको स्ट्रॉ नज़र आ रहा है लगा हुआ, जो होल है वो स्ट्रॉ ही लगा हुआ है। ऊपर भी पिंक कलर की क्रीम लगाएंगे और केक कॉम से उसको सेट कर लेंगे। तो अब ले लेंगे एक ब्रश, इसको अच्छी तरह धोकर खुश करके आप इस तरह केक पर डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है केक को नीट करने का, तो जल्दी में आप इस तरह के ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। केक का बॉर्डर बनाएंगे, कोई भी स्टार नोज़ल आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको डिज़ाइन पसंद हो। जी, तो आप कुछ टॉपर रेडी करेंगे केक के लिए। यहाँ 26 नंबर हमने कट कर लिया है। गम पेस्ट यूज़ करेंगे, और अब हम नाम लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट कटर लेके हल्का सा उसको प्रेस करेंगे
और वो उसका टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ हमने नाम भी लिख लिया केक बोर्ड पर लगाने के लिए। अब केक के जो टॉपर पेपर टॉपर है गम पेस्ट भी लेंगे और टॉपर उस पर पानी से चिपकाकर साइड से कट करेंगे। तो देखिए कितना नीट टॉपर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब सारे टॉपर्स केक के ऊपर लगाएंगे। फ्रंट पर भी टॉपर लगाएंगे। ये तो केक हमारा रेडी है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। नंबर्स भी सामने हमने लगा दिए हैं। अब गोल्डन डस्ट लगाएंगे। गोल्डन डस्ट में थोड़ा सा लेमन एसेंस शामिल करेंगे और लिक्विड रेडी हो जाएगा गोल्डन डस्ट का। और ब्रश की मदद से आप किसी भी टॉपर के ऊपर या नंबर के ऊपर नेम के ऊपर गोल्डन डस्ट कर सकते हैं। अब केक के बॉर्डर पर भी ब्रश से गोल्डन डस्ट लगाएंगे। अब कुछ बीट्स लगाएंगे केक के ऊपर पिंक कलर के। और यहाँ फ्रंट पर जो नेम लिखा है हमने वो भी सामने लगा देंगे और उसके ऊपर भी गोल्डन डस्ट करेंगे। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर दें ताकि बिगनर्स की हेल्प हो सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।